दो टके का जरक के सामने, तुमने उसको नोटिस नहीं, उसको बिल भिजवाया, बिल अपने 20 साल के खाने पीने कपड़े इलाज तालीम सब का बिल। अच्छा तो इस सब का मतलब वो ये लेंगे? इसके अलावा क्या मतलब हो सकता है? मतलब कि वो इससे भी ज्यादा गए गुजरे जितना मैं उन्हें समझती थी। तुम किसी को भी दिखा दो, इसका यही मतलब है कि तुमने इनडायरेक्टली उसकी जायदाद से अपना हिस्सा मांगा है। लानत भेजती हूँ मैं उनकी जायदाद पे अम्मी। लानत तो तुमने मुझ पे भेजी है, मेरी 20 साल की तरबियत पर, मेरी मेहनत पर, मेरे वकार पर, मेरी खुददारी पर। मुझे बिल्कुल गिरा दिया तुमने जरक के सामने। इधर मैं तुम्हारी एडमिशन के लिए लोगों के मिनते तरले कर रही हूँ और यहाँ तुम खड़ी हो एक छुरा लेकर मेरी पीठ पे खोमने के लिए। अम्मी आपको अपना वकार अपनी खुददारी नजर आ रही है, मेरी महरूमी मेरी तकलीफ नहीं नजर आती। क्या जाला हो जाएगा तुम्हारी महरूमी का? क्या मिलेगा इस केस के बाद कि वो आके तुम्हें गले लगाएगा, अपने 20 साल की मोहब्बत और शफकत एक डब्बे में डाल के तुम्हें दे देगा? तुम्हें तो वो भी नहीं मिलेगा जिसके लिए तुमने केस किया। तुम्हारा नाम जुड़ा है और जुड़ा रहेगा उसके साथ। इस मुल्क की कोई भी अदालत उसे हटा नहीं सकती। और मेरी तो समझ में नहीं आता ये कोर्ट ने ये केस कैसे एक्सेप्ट कर लिया, कैसे ये सुनवाई हो रही है। अम्मी इसीलिए अदालत खुदगर्ज नहीं होती, वो अपनी इज्जत और वकार बचाने के लिए दूसरों का मुंह बंद नहीं करवाती। तो तुम कोर्ट क्यों जा रही हो? जाओ तमाशा करो किसी चौराहे पे, धरना करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ह्यूमन राइट्स की कमीशन के पास जाओ। एक आध पेशी से तुम्हारी क्या बढ़ास निकलेगी? जाओ सारों के सामने उसके गरेबान पकड़ो, चीखो चलाओ। और तमाशा तो तुमने खूब बनाया मेरी इज्जत का। ये किसका आइडिया था बताओ, यूनिवर्सिटी समन भिजवाने का? बताओ मुझे। सरजात का था, सुबह से शाम तक आप यूनिवर्सिटी में ही तो होती हैं। वो कौन है? लॉयर है मेरा। मेरी बात कराओ उससे, बात कराओ। एक मिनट में इंसर्शन विद मी मदीरा। आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।